तुम्हारे थाने के अंदर खड़ा होकर तुम्हें धमकी देने आया हूं। टांग के रख दूंगा तुम्हें तुम्हारी गर्दन के सहारे पर, और कोई माई का लाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जो सब काम खराब ना होता तो 10 लाख रुपए दिए थे तुम्हें उस लड़के को मेरे हवाले करने के लिए। क्यों नहीं बताया उसे? क्यों खाई मार? क्यों नहीं बताया उसे शेरी? इसलिए नहीं बताया था कि तुम लोगों को यह एहसास हो सके कि हर इंसान सारकुल जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर तुम लोगों की हिफाजत करते हैं। बड़ा तगड़ा है तेरे आराम से, गद्दे यहाँ बड़े आराम से लेटा हुआ है। दांत का कीड़ा और शेर को मारने चला है। निकाल अपने मोबाइल, बना इसके मरते की तस्वीर। मार इसका तेरी के। ओ चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, ओ क्या कर रहे हैं आप? ये आपका डेरा नहीं है, अस्पताल है। सीधी सीधी 302 की FIR है। मैं किसी 302 को नहीं मानता। इसको जेल में भेजूंगा नहीं, ये वहां बड़े सुकून से जिंदगी गुजारेगा। ये मुझे मेरे डेरे में चाहिए। मगर अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने खुद एडमिनिस्ट्रेटर को इसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कह दिया हुआ है। हाँ तो तू कह देना ना कि जेल से भाग रहा था। 5 लाख दूंगा, 5 लाख पूरे। नहीं चोई साहब, 5 लाख और मेरी रिप्यूट का सवाल है। आहा, तेरी रिप्यूट, तेरी रिप्यूट, तेरी रिप्यूट है? पहले जो माल इतना ठगता रहा है उसका क्या बनेगा? मैं कहां ठगता हूं, आप खुद ही ठगने के लिए चले आते हैं चोई साहब। अगर आपको माल पसंद नहीं है तो फिर मैं किसी और ग्राहक का इंतजाम करूं। बात सुन, सीधे तरीके से ना, ये मुझे चाहिए। अगर तुझे वारा कहता है ठीक, वरना ये जब बाहर निकलेगा ना, इसको खुद उठा लूंगा मैं। और बात तो सुने मेरी। चले आप अगर जिद कर रहे हैं तो फिर 5 लाख रुपए में कर ले तो मैं क्या करूं फिर? आपको इनकार भी तो नहीं कर सकता ना। पहले ये बता, इसको गायब कैसे करना? चलो अब इसके सामने बता दो ताकि ये चौकस हो जाए। चौधरी साहब चले चले। तुम कौन हो? तुम्हें कल रात घर में पहली दफा देखा। मेरे जहन में भी यही सवाल है, तुम कौन हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। अगर घर के मालिक ने तुम्हें मुझसे ऐसे बात करते देख लिया ना, तो हो सकता है कि तुम्हारी जबान काटते। रही बात तुम्हारे सवालों का जवाब देने की, तो वो भी तुम इस घर के मालिक से ही पूछ लेना कि मैं कौन हूं और मेरे इस घर में क्या हैसियत है, क्योंकि इसका सही अंदाजा तो खुद मुझे भी नहीं है। यही है वो मासूमा। क्या? हाँ, यही है वो जो मेरी जिंदगी और मेरे घर के लिए खतरा बनी हुई है। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि मासूमा घर छोड़ के जा चुकी है, फिर ये वापस क्यों आई? इसी बात की समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। इसके साथ इसकी माँ और बहन भी भागी थी इस घर से, वो दोनों तो नहीं आए। लेकिन ये ना जाने यहाँ मरने के लिए वापस क्यों आ गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह से मेरे सामने जबान चलाओगे।
मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा मौका भी कभी। बस बहस मत करो मेरे साथ, अपनी मां को साथ लो और जाओ लंदन वापस। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, वैसे भी तुम्हारी जान को खतरा है यहां। हेलो, से खोल के अच्छी तरह साफ करो और जब ऑयल लगाना तो दोबारा खुश भी कर देना। जाओ आओ बेटा बैठो। चाय मंगवाओ, चाय पियोगे? नहीं पापा। क्या बात, किसी गहरी सोच में लग रहे हो। बाबा वो लड़की कौन है? मेहमान है एक। मेहमान? और कितने दिन रहने वाली है यहां? ये तो मेहमान की मर्जी पर है, उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक उसका दिल चाहे वो रह सकती है। मेरी तलाक के मुताबिक वो मेहमान नहीं है और ना ही अपनी मर्जी से यहां पर रह रही है। मेरे ख्याल से उसे जाने देना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह से मेरे सामने जबान चलाओगे। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा मौका भी कभी। बस बहस मत करो मेरे साथ, अपनी मां को साथ लो और जाओ लंदन वापस। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, वैसे भी तुम्हारी जान को खतरा है यहां। खतरा? किस बात का खतरा? मैंने सिकंदर को मारने की कोशिश की है और वो बच गया है, इसलिए अब खतरा हमारे लिए है। अब तुम्हें जल्द अज जल्द वापस जाना होगा। अगर खतरे की वजह से यहां से भागने है बाबा, तो फिर आप ही मेरे साथ चले, क्योंकि खतरा तो आपकी जान को भी है ना। क्या फायदा इसी जिंदगी का कि हम अपने मुल्क में, अपने शहर में अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते? घर में कैद होकर ही रहना है तो इससे बेहतर है कि मैं आपको साथ लेकर जाऊं। मेरे साथ हर बात पर बहस मत किया करो, जो तुम्हें कहा है वैसा ही करो। और हां, बाहर जाना तो गार्ड्स के साथ जाना, अकेले मत जाना। शाम को वापस आऊंगा, फिर बात करेंगे। ओ यार छोड़ दे, मैं ठीक हूं, क्या हो गया? ठीक है यार, ठीक है। डॉक्टर ने पूरे महीने का आराम बताया चौधरी जी, अब आप आराम करें। कर लूंगा आराम, लेकिन जब तक मैं उस आदमी को कब्र में नहीं उतार लेता मुझे चैन नहीं आएगा। चौधरी जी अगर आप हुक्म करें तो मैं आज ही उसका काम तमाम कर दूं। आजा कर दे, जल्दी से शाबाश, जा 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 के अभी काम खत्म कर दे, जा जा। शेफ के जरिए ये काम इतना आसान होता ना तो मैं कब का कर चुका होता। इसीलिए मुझे ना एहसान अली बड़ा पसंद है, वो हर काम ठंडे करके करता है, मंसूबाबंदी के साथ। आप जैसे कहेंगे ना वैसे ही कर दूंगा, फिर चाहे मंसूबाबंदी के साथ करना हो या बगैर मंसूबाबंदी के। और आज की मंसूबा बंदी सुन ले, इंस्पेक्टर के पास जा, जाके उससे मिल, वो तुझे सब कुछ समझा देगा। और रात को आते हुए कबीर को अस्पताल से ले आना, जाएगा बस। जी ठीक है सरकार।
यार किसी का निशाना भी खता ना हो। ओए होए तुम कुछ बात करना चाहती थी, बोलो क्या कहना है। मुझे कबीर से मिलना है, मैं उसे देखना चाहती, जानना चाहती हूँ कि वो किस हाल में है। वो बिल्कुल ठीक है, और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मुझे अपनी आंखों से देखना है उसे। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, पुलिस कस्टडी में। आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, इंस्पेक्टर भी तो आपके हुक्म का गुलाम है। सिकंदर अली और उसके लोग भी वहां होंगे। वो काम तो फिर इंस्पेक्टर का है ना, कि मुझे सबकी नजरों से कैसे बचा के कबीर के कमरे तक पहुंचाता है। ठीक है, आओ। दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। सिकंदर चौधरी के दो आदमी यहां पर मौजूद हैं और मेरे अहलकार भी हैं। किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। कबीर, कबीर उठो। आलिया तुम यहां कैसे आई? फिक्र ना करो, इंस्पेक्टर खुद मुझे अपनी हिफाजत में छोड़कर गया है यहाँ। इंस्पेक्टर? हाँ, अंसार गुल के कहने पे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था आलिया, यहाँ सिकंदर के लोग मौजूद हैं, खतरा है यहाँ। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम ये बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें गोली लगी है? टांग पर लगी है, सर में नहीं लगी। ऐसी बातें मत कर। लेकिन एक बात की खुशी है कि सिकंदर चौधरी को मारने तुम नहीं आई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? बस करो, अब कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने सारी प्लानिंग कर ली है इंसार गुल के साथ। इंस्पेक्टर तुम्हें यहाँ से जेल भिजवा देगा और अंसार गुल का वकील तुम्हें वहां से जमानत करके निकलवा देगा। तो ये है अंसार गुल की प्लानिंग इंस्पेक्टर के साथ। हाँ। और अब इंस्पेक्टर की सिकंदर चौधरी के साथ होने वाली प्लानिंग सुनो। आज रात सिकंदर चौधरी के बंदे मुझे यहाँ से लेके जाने के लिए आएंगे और फिर मुझे सिकंदर चौधरी के हवाले कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। वो लोग शायद यही जानते हैं कि मतलब मैं यहाँ से उठ नहीं सकता। अलबत्ता मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अब तुम यहाँ से जाओ और किसी से कुछ मत कहना, और हाँ आज रात मेरी कॉल का इंतज़ार करना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। अपने बिस्तर पर से क्यों उठे? इसलिए क्या उठ सकता हूं? पर अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं अब। ये लो तुम्हारे लिए सूप लाई। फिर से सूप? दो दिन से यही पी रहा हूं, मुंह का जायका बिल्कुल खराब हो गया। तो फिर? चाय पीना चाहता हूं, अगर तुम बना दो तो। ठीक है, तो फिर ये सूप। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पीना, प्लीज ले जाओ इसे। आखिर वो गया कहां? पता नहीं सर, मैं तो शाम से ड्यूटी पे था, अंदर से तो नहीं निकला वो। तो क्या वो धुआं बन के यहां से उठ गया? यहां से कैसे जा सकता है वो? खुद से नहीं भाग सकता वो, जरूर साजिश हुई है उसे यहां से भगाने की। ओए!
बकवास बंद कर अपनी। हमें अभी मासूमा से मिलने चलना चाहिए। हम मतलब तुम भी साथ जाओगे? तो क्या इतनी खतरनाक जगह पर अकेले भेजूंगा मैं तुम्हें? वहां मेरी जान को नहीं तुम्हारी जान को खतरा है। थैंक यू। मुझे हर वक्त मासूमा का ख्याल रहता है। और मुझे तुम्हारा। क्या? मुझे भी हर वक्त मासूमा का ही ख्याल आता रहता है। मैं मासूमा से मिलना चाहती हूँ। मिलना भी चाहिए, जाहिर है उसको वापस लाने के लिए मिलना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन अम्मी जान को पता नहीं लगना चाहिए। इस वक्त तुम्हारी अम्मी जान सो रही है ना? हाँ। तो क्यों ना इस वक्त मौके का फायदा उठाया जाए। क्या? मेरा मतलब है कि हमें अभी मासूमा से मिलने चलना चाहिए। हम मतलब तुम भी साथ जाओगे? तो क्या इतनी खतरनाक जगह पर अकेले भेजूंगा मैं तुम्हें? वहां मेरी जान को नहीं तुम्हारी जान को खतरा है। फिक्र मत करो, जब तक मासूमा वहां पर है मेरी जान को कोई खतरा नहीं। तुम रेडी हो जाओ, हम लोग चलते हैं फिर। हाँ हाँ, मैं पूछ लूंगा उससे, देखते हैं क्या कहता है। लेट मी कॉल यू बैक। एक बात बताओ, क्या तुम बाकी प्रोस्टिट्यूट हो? हाँ। किसने बनाया? अब ये मत कहना कि हालात में। तुम्हें क्या लगता है किसने बनाया मुझे प्रोस्टिट्यूट? कोई भी औरत अपने वजूद को किसी भी खरीदार के हवाले नहीं करती, उसके पीछे किसी ना किसी मर्द की बेहिसी होती है। तो तुम्हारे ख्याल में मेरी इस हालत का जिम्मेदार किस मर्द की बेहिसी पर है? तुम्हारे बाप की। गलत, तुम्हारा बाप। क्या? कितनी बेहिसी से तुमने मुझे एक प्रोस्टिट्यूट कह दिया और कितनी आसानी से उसका इल्जाम मेरे बाप पे डाल दिया। मुझे तो गुस्सा नहीं आया, जब अपने ही सवाल का सही जवाब सुना तो गुस्सा आ गया। तुम कौन हो, क्या हो, सब जानकर आया हूं मैं। अच्छा, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे थे? इसलिए कि इसके बावजूद मुझे तुमसे हमदर्दी हो रही थी। तुम सब मर्दों को एक गैर औरत से ही क्यों हमदर्दी होती है? यही बात अगर तुम अपने घर की किसी औरत के बारे में सुनो तो। शट अप। तो तुम लोग अपनी हैरत का मसला बना लेते हो। आज ही पता चला नासी से कि तुम कौन हो। इस घर के वारिस हो, अंसार गुल के बेटे। तुम्हें तुम्हारी माँ ने कह दिया कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूं और तुमने आके मुझे कह दिया। यही बात अगर तुम अपने बाप से कहो तो फिर वो एक हैरत का मसला बना लेंगे, क्योंकि उनको तो लगता है कि उन्हें मुझसे मोहब्बत है। अपनी बेहिसी के नाम पे मुझे अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। मगर उनसे मत कहना कि तुम भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हो जैसा कि तुम्हारी माँ, वरना Thank you.
आखिर वो गया कहां? पता नहीं सर, मैं तो शाम से ड्यूटी पे था, अंदर से तो नहीं निकला वो। तो क्या वो धुआं बनकर यहां से उड़ गया? यहां से कैसे जा सकता है वो? खुद से नहीं भाग सकता वो, जरूर साजिश हुई है उसे यहां से भगाने की। बकवास बंद कर अपनी और सुन, ये डबल गेम खेलना मुझे पसंद नहीं है, समझे तुम? ये बात मुझे नहीं, चौधरी साहब को बताना। चौधरी साहब को बताना? मैं तेरे चौधरी का गुलाम हूं, जा जाके कह दे अपने चौधरी को भाग गया कबीरा, चल। देख फारूक, अगर कोई मसला बनाना तो तेरे लिए यह अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? गई थी मासूमा के पास उसे वापस लाने के लिए। आई फिर? नहीं, उसे आना भी नहीं था क्योंकि वो अपने बाप की खसलत में है, उसी की तरह बेहिस जैसे तुम्हारा बाप आसाइशों को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर हमें छोड़कर चला गया, उसी तरह वो भी हमें मुसीबतों में छोड़कर चली गई है आसान जिंदगी गुजारने के लिए। अरे, मुझे जमाने से लड़ने का सबक देती थी और खुद ही भूल गई वो सबक। क्या ही अच्छा होता अगर उस वक्त मैं तुम दोनों को जहर देकर खुद भी खत्म हो गई होती। लेकिन मेरे लिए इस तरह जीना अब बहुत मुश्किल हो गया है। कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तूने मासूमा का नाम भी लिया या उससे दोबारा मिलने की कोशिश की तो मैं तुझे जहर देकर अपने आप को भी खत्म कर लूंगी। बंद कर ये रोना धोना, तू भी बेहिस हो जा जैसे वो हो गई है। अपने बारे में सोच, अपनी जिंदगी जीना सीख, बस बहुत हो गई। भाई साहब बात सुनिएगा। भाई मैं दूसरे शहर से हूँ और सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर किसी ने मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। भाई मुझे कोई होश नहीं था, मेरे पास ना मेरा मोबाइल है ना पर्स है। अच्छा तरीका आपका भीख मांगने का, मैं सब जानता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है। मैं अपने घर पर इतला दे दूंगा और कोई मेरी मदद को आ जाएगा। शुक्रिया भाई। हाँ आलिया। कबीर? हाँ मैं कबीर बात कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो तुम? हाँ आलिया मैं ठीक हूँ, बस अभी अभी हॉस्पिटल से निकल के आया हूँ। कबीर तुम वहां से निकले कैसे? तुम कहाँ हो? यार ये सब बातें छोड़ो, जब मिलोगी फिर मैं बताऊंगा। हाँ और मेरी बात सुनो, अब तुम भी वहां से निकलने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। ओके खुदाफिज। खुदाफिज। कबीर जिंदा है, या अल्लाह तेरा शुक्र। ऐसे कमरे में अकेले बैठे बैठे क्या सोचती रहती हो?
सोचती हूँ कि हर इंसान की जिंदगी का कोई मकसद होता है। मेरी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है भला? एक खुशियों भरी जिंदगी गुजारना है तुम्हारा मकसद। अब तक तो सिर्फ दुख ही देखे। इसलिए कि तुम्हें अभी तक यही मालूम नहीं है कि तुम्हें खुशी मिल कैसे सकती है। एक बात बताए, कभी अपने दुख काटा है, कोई तकलीफ उठाई है, या सारी उम्र ये ऐश वाली जिंदगी ही गुजारी है? अभी तक सिर्फ ऐश भरी जिंदगी ही गुजारी थी, कोई दुख नहीं उठाया था। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से तुम्हारी ही कमी महसूस होती है मुझे। और मुझे पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे ना? हाँ, कुछ भी। और अगर इस जीना चपटी में मैं ही ना रही तो, मैं मर गई तो आपकी जिंदगी की सारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं। कैसे कह सकते हैं? आपकी बेगम ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दे रखी है। कैसे जमानत देंगे इस बात की कि मुझे कुछ नहीं होगा? अगर मैं तुम्हारा यह खौफ दूर कर दूं तो क्या मेरी बन जाओगी? मेरा शौहर छीना है आपने मुझसे, मेरी मोहब्बत छीनी है, हीरे रोशन को छीना है मुझसे, इसीलिए मैं आपसे नफरत करती हूं। इतनी नफरत कि कभी किसी ने किसी से नहीं की होगी। कैसे भाग गया वो? चर्जी, ये सारा वो इंस्पेक्टर का किया दरअसल, कबीर को उसने भगाया है। अगर पता चल गया कि इंस्पेक्टर ने उसको भगाया, तो इंस्पेक्टर को गोली मैं खुद मारूंगा। ईटीवी, सारे रंग हमारे।